हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड है। जनवरी मंथ का करंट अफेयर आज हम डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हिमाचल जीके से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की नदियाँ हैं, झीलें हैं, झरने हैं, ग्लेशियर हैं, घाटियाँ हैं, दर्रे हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब पे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हिमाचल का पहला ऑटो व एंसिलरी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल हिमाचल फर्स्ट ऑटो एंड एंसिलरी पार्क वी एस्टेब्लिश्ड? नालागढ़ बद्दी के मलूक माजरा नामक स्थान पे ये पार्क बनाया जाएगा, 60 एकड़ ज़मीन पर। और इस पार्क के निर्माण में ट्रैक्टर व क्रेन निर्माता कंपनी है इंडो फार्म, जो 510 करोड़ का निवेश करेगी। पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी जो है इस पार्क के निर्माण में निवेश कर रही है, तो इंडो फार्म कंपनी है, ट्रैक्टर व क्रेन निर्माता कंपनी है ये जो है 510 करोड़ का निवेश कर रही है। ओके, नेक्स्ट है, ओजस्वी राणा को ऑस्ट्रेलिया में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से नवाजा गया, उनका संबंध हिमाचल के किस जिले से है? ओजस्वी राणा हैज़ बीन अवार्डेड द यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 इन ऑस्ट्रेलिया। सी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर के सुलह नामक क्षेत्र से संबंध है ओजस्वी राणा का। 12वीं कक्षा की ये छात्रा हैं, ऑस्ट्रेलिया में अपनी पढ़ाई कर रही हैं और इन्हें यह पुरस्कार कैंसर व अल्जाइमर रोगियों पर उनके अनुसंधान के लिए दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का छठा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बनेगा? वेयर विल द सिक्स्थ नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश वी फॉर्म्ड? गोपालपुर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के गोपालपुर में ये सिक्स्थ नेशनल पार्क बनाया जाएगा। गोपालपुर जो है ये पालमपुर और धर्मशाला के मध्य स्थित है। गोपालपुर चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी 24 मार्च 1992 को। अब इसे जो है नेशनल पार्क बनाया जाएगा। बात करें हम कि हिमाचल प्रदेश के 5 नेशनल पार्क जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंदर किला, सिंबलवाड़ा और पिन वैली। तो इसमें से जो पिन वैली, खीर गंगा और इंदर किला है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है, और सिंबलवाड़ा जो है ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। ये 5 राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश के। छठा जो है गोपालपुर चिड़ियाघर को बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, लाडली फाउंडेशन का राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लाडली फाउंडेशन? एच एस ओशीन शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जबकि निर्मला राजपूत जो हैं ये उपाध्यक्ष हैं लाडली फाउंडेशन की। ओके, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में पहली बार ब्यास फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द ब्यास फिल्म फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में 15-16 अप्रैल को ये फिल्म फेस्टिवल होगा। जिस तरह से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म फेस्टिवल होते हैं, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी ब्यास फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में 15-16 अप्रैल को। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध हिमाचल के किस जिले से है? रिसेंटली चरणजीत सिंह पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? डिस्ट्रिक्ट ऊना के मैड़ी नामक स्थान से संबंध था चरणजीत सिंह का। चरणजीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी थे और 1964 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे, जिसमें ये हॉकी टीम के कप्तान रहे थे। 1964 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, जबकि 1963 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल की कितनी विभूतियों को पद्म श्री पुरस्कार मिला है? हिमाचल प्रदेश की
दो विभूतियों को जो है पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है। हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। फर्स्ट है विद्यानंद सरैक, जिला सिरमौर से संबंध है विद्यानंद सरैक का। दूसरे हैं ललिता वकील, ललिता वकील का संबंध है डिस्ट्रिक्ट चंबा से। ललिता वकील को कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्मश्री दिया गया है, जबकि विद्यानंद सरैक को साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में विद्यानंद सरैक को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और ये जिला सिरमौर से हैं, जबकि ललिता वकील जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट चंबा से हैं। चंबा रुमाल के लिए विख्यात हैं ललिता वकील, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है वन्य प्राणी विभाग हिमाचल द्वारा अपनी फॉरेंसिक लैब कहाँ स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। वेयर इज़ द प्रेपरेशन टू सेट अप इट्स फॉरेंसिक लैब बाय द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल। शिमला, डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये लैब स्थापित की जाएगी। इससे क्या होगा कि प्रदेश भर से वन्य प्राणी विभाग के माध्यम से जो सैंपल लिए जाएंगे उनको वहाँ चेक किया जाएगा कि जानवर जो हैं वो किस तरह से आक्रामक हो जाते हैं, या किस कई जानवरों की जो प्रजातियाँ हैं वो क्यों ख़त्म हो रही हैं, ये सब जो है उस लैब में चेक किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट शिमला में बनाई जाएगी ये लैब। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनेगा। वेयर इज हिमाचल प्रदेश विल द इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बी बिल्ट। धर्मशाला, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनेगा। ओके, नेक्स्ट है नौवीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया था। वेयर वॉज द नाइन्थ नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 लॉन्च्ड। लाहौल स्पीति के काजा में ये हॉकी चैंपियनशिप हुई, जिसमें लद्दाख टीम जो है ये विजेता रही। छह टीमों ने इसमें भाग लिया था। चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसमें से लद्दाख की टीम जो है वो विजेता रही। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 2.32 लाख में से कितने बच्चे कुपोषण श्रेणी में हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इन हिमाचल, हाउ मैनी चिल्ड्रन आउट ऑफ 2.32 लाख आर इन मेल्यू न्यूट्रिशन कैटेगरी। 3,241 बच्चे जो हैं कुपोषण श्रेणी में हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस जिले को प्रदेश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक मिल गई है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ गॉट द स्टेट्स फर्स्ट वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को जो है हिमाचल प्रदेश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक मिल गई है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से हैं 22 वर्षीय नैन्सी कटनौरिया, जो है नूरपुर में एज अ एम्बुलेंस चालक जो है अपनी सेवाएं देंगी। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पहली बार अपने मेन्यू में किस पदार्थ को शामिल किया है। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैज़ इंक्लूडेड विच आइटम इन इट्स मेन्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। एप्पल टी को इन्होंने अपने मेन्यू में शामिल किया है। नेक्स्ट है डॉक्टर अंकिता को देश का उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक 2021 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका संबंध जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है। डॉक्टर अंकिता हैज़ बीन ऑनर्ड विद द आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट 2021 अवार्ड ऑफ द कंट्री। सी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के नदौन से संबंध है डॉक्टर अंकिता का। और डॉक्टर अंकिता ने गाय के बांझपन को लेकर कोई शोध किया है, जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है मंडी जिला के बगुलामुखी रोपवे को किस से स्वीकृति मिल चुकी है। फ्रॉम हुम हैज द बगुलामुखी रोपवे ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट बीन अप्रूव्ड। नवार्ड, नवार्ड एक बैंक है या ग्रामीण और कृषि विकास विकास बैंक है। इससे जो है मंडी जिला के बगुलामुखी रोपवे को स्वीकृति मिल चुकी है। फर्स्ट रोपवे नवार्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश के जो दूरदराज क्षेत्र हैं वहाँ पे कृषि और विकासात्मक जो गतिविधियाँ हैं उनको बढ़ाने के लिए इस रोपवे का निर्माण किया जाएगा।
ये रोपवे जो है मंडी जिला के बगुलामुखी मंदिर के नज़दीक बाखली गांव को रोपवे से जोड़ने की स्वीकृति जो है नाबार्ड ने दी है। ओके नेक्स्ट है, कौन से आईटीआई में प्रदेश सरकार ड्रोन स्कूल जो है शुरू करने जा रही है? शाहपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है प्रदेश सरकार ड्रोन स्कूल शुरू करने जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल के कितने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुलिस प्रशिक्षण उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से नवाजा गया? रिसेंटली हाउ मैनी पुलिस ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज ऑफ हिमाचल प्रदेश वर अवॉर्डेड द पोस्ट ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग? 4 लोगों को जो है केंद्रीय गृह मंत्री पदक से नवाजा गया है। ओके नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश मंडी में विकास को नए आयाम देने वाले भव्य दिव्य शिव धाम में कौन सी शैली की झलक दिखेगी? विच स्टाइल विल बी रिफ्लेक्टेड इन द ग्रैंड दिव्य शिव धाम विच हैज़ गिवन न्यू डायमेंशन टू डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश मंडी? तो मंडी कलम चित्र शैली और मंडी काष्ठकुनी शैली दोनों ही शैलियों की झलक जो है इस भव्य शिव धाम में दिखाई देगी। ओके नेक्स्ट है, कांगड़ा के बाद अब 2022 में कहाँ पर वॉर मेमोरियल बनेगा? आफ्टर कांगड़ा वेयर विल द वॉर मेमोरियल बी बिल्ट इन 2022? अब हमीरपुर में जो है 2022 में वॉर मेमोरियल बनाया जाएगा। ओके नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश का पहला वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट कहाँ पर खुला है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में। रिसेंटली वेयर हैज़ द स्टेट्स फर्स्ट वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट ओपन? डिस्ट्रिक्ट शिमला में खोला गया है ट्रैफिक कोर्ट। अब जो है लोगों को अपना चालान का भुगतान करने के लिए कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होगी, अब जो है वो अपने चालान का भुगतान ऑनलाइन ही कर पाएंगे। ओके नेक्स्ट है, हाल ही में किसको ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रजत पुरस्कार से नवाजा गया? रिसेंटली हु वाज अवार्डेड द सिल्वर अवार्ड एट द नेशनल लेवल फॉर ई गवर्नेंस? हिमाचल प्रदेश पुलिस को जो है सिल्वर अवार्ड मिला है हाल ही में, जो 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस हुआ कहाँ पे, हैदराबाद में। इसमें जो है रजत पुरस्कार से नवाजा गया था हिमाचल प्रदेश पुलिस को। ओके नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की पहली पुष्प मंडी कहाँ स्थापित की गई है? वेयर हैज़ द फर्स्ट फ्लावर मार्केट ऑफ हिमाचल प्रदेश वीन एस्टेब्लिश? परवाणु डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये स्थापित की गई है। इससे क्या होगा, जो पुष्प उत्पादक करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में, अब उन्हें जो है प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा अपने पुष्प को बेचने के लिए। अब जो है यहीं पे हिमाचल प्रदेश में ही पुष्प मंडी स्थापित कर दी गई है जिला सोलन के परवाणु में। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।